तो दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी का बैकअप और ज्यादा चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाए, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं प्लस अपने स्मार्टफोन का बैकअप भी बढ़ा सकते हैं। आजकल क्या है, कई सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं, जो नए नए स्मार्टफोन हैं उनकी बैटरी इनबिल्ट आ रही है, मतलब कि आप उसकी बैटरी निकाल नहीं सकते, तो बहुत सारे यूजर परेशान हो जाते हैं बैटरी से अपने। और प्लस जिनके पास ऐसा स्मार्टफोन है जिसकी बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो उससे कौन सा बहुत बड़ी खासियत मिल जाती है आपको कि बैटरी आपकी ज्यादा चलेगी। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने बैटरी का जो बैकअप है प्लस उसकी जो लाइफ है उसको अच्छा कर सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जो मेरी पहली टिप वो ये है, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बैटरी को पूरा चूस ना लीजिए, मतलब डोंट सक अप इट्स ऑल द जूस। आप उसको पूरा 0% तक डिस्चार्ज ना होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको रात भर के लिए 100% चार्ज कर लिए और फिर पूरा रात तक 0% तक उसका काम ले लेंगे। ऐसा करने से उसके जो कई सेल्स हैं वो परमानेंटली डेड हो जाते हैं और आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत ही कम हो जाती है, मतलब कि करीब वो 1-1.5 साल तक ही बैटरी चलती है। आप क्या करिए, बीच बीच में करीब 10-15 मिनट के लिए उसको चार्ज में लगा दीजिए। ये करने से आपके बैटरी के परफॉर्मेंस पे जरूर असर पड़ेगा। बजाय उसको दिन भर पूरा इस्तेमाल किए, आप कुछ कुछ मिनट के लिए चार्ज लगा दीजिए। 30% है फिर भी चार्ज लगा दीजिए, 60% है फिर भी चार्ज लगा दीजिए। ऐसे इस तरीके से आप अपने बैटरी की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टिप की ओर। तो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन के साथ रिकमेंडेड चार्जर ही यूज करिए, जो आपके स्मार्टफोन के साथ कंपनी वालों की तरफ से आपको मिला है। कोशिश करिए कि आप ज्यादातर वही चार्जर यूज करें और प्लस आप ये ना सोचिए कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से उसको चार्ज करके उसको ज्यादा पावर देके जल्दी चार्ज कर रहे हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप से चार्ज करने से स्मार्टफोन और धीमे चार्ज होता है, क्योंकि वो बाकी सारी चीजें भी करने लगता है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस। आप उसको ट्रेवल अडेप्टर से ही चार्ज करिए, पर एक बात ध्यान रखिए, आप किसी भी उसको चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। अब जो दूसरी टिप है वो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन को एक रिकमेंडेड चार्जर से ही चार्ज करिए। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन टर्बो चार्जर है या फिर डैश चार्जिंग है या फिर फास्ट चार्जिंग है और या फिर नहीं भी है, तो आप उसके साथ कोई भी ट्रैवल अडैप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, आप उसका वोल्टेज मैच कर, उसका वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंट जो करंट आ रहता है उसको मैच कर लीजिए। जैसे वो 220 वोल्ट है, एम्पियर से कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका पुराना वाला चार्जर 2 एम्पियर का था, ये 1 एम्पियर है, तो करंट अमाउंट से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो स्मार्टफोन है वो उतना ही करंट लेगा जितना के लिए वो बना है। उसके अंदर पहले से ही कंट्रोलर लगा रहता है कितना उसको करंट लेना है, उसी हिसाब से वो करंट लेता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बस वोल्टेज मैच कर लीजिए, जैसे वो आपको स्मार्टफोन को हानि पहुंचा सकता है। और यहां पर एक मिथ ये भी उठती है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से चार्ज करते हैं तो ज्यादा चार्ज हो जाता है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसको डेस्कटॉप या लैपटॉप से चार्ज करते हैं तो वो थोड़ा और धीमा चार्ज होता है, क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी चालू हो जाते हैं, जैसे कि ड्राइवर इंस्टॉल करना ये वगैरह। तो बढ़ते हैं तीसरी टिप की ओर, आप अपने स्मार्टफोन के बैटरी को खुद से सर्विस दीजिए। मेरा मतलब आप उसको तेल लगा के मालिश ना करिए, मेरा मतलब है कि आप उसको महीने में करीब एकाध बार उसको बूस्ट कर दीजिए। अब आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, बूस्ट करना। आप जब दुकान पे आपकी बैटरी नहीं बैकअप अच्छा देती है तो ले जाते हैं और उन लोग क्या करते हैं, बैटरी बूस्टिंग, और उसका आपसे 100 रुपए ले लेते हैं। आप वो खुद घर पे कर सकते हैं। इसको किस तरीके से करते हैं, आप एक बार अपने फोन को 100% तक चार्ज करिए और पूरा सक कर लीजिए, उसको पूरा 0% तक पहुंचा दीजिए, उसको डिस्चार्ज कर दिए कि वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाए, फिर 2-4 बार खोल के फिर स्विच ऑफ करिए और फिर उसको लंबे समय तक चार्ज कर दीजिए, पूरा 100% तक चार्ज करिए, मतलब कि एक बार सारे सेल्स को रिफ्रेश कर दीजिए। इससे आपके स्मार्टफोन के बैटरी के अंदर जो कुछ सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब नहीं काम करते हैं, तो वो काम करने लगते हैं। सारे सेल्स जो कि रिफ्रेश हो जाते हैं तो नए तरीके से काम करते हैं। इससे आपके बैकअप पे जरूर असर पड़ेगा, मेरी बात को आप लिख के ले लीजिए। अब बढ़ते हैं चौथी टिप की ओर, वो ये है कि आप कोई फर्जी ऐप इंस्टॉल ना करिए। ड्यूल बैटरी बूस्टर और कोई बैटरी बूस्टर, मुझे खुद भी नाम नहीं याद है, उन सबसे कुछ नहीं होता है। वो बढ़िया बढ़िया एनिमेशन डाल देते हैं और आपकी बैटरी को और चूसते हैं, उससे आपको कोई बैटरी नहीं बचने वाली। तो वो सब आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना इसको तरफ सोचिए। बजाय आप ये करिए, खुद से देखिए कौन सा ऐप ज्यादा रन कर रहा है और उसको थोड़ा डीएक्टिवेट कर दीजिए या फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए। अपने हिसाब से आप अपने बैटरी के बैकअप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है मेरे सारे टिप्स और रिकमेंडेशंस आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, आप नीचे दिए गए आइकन से हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई टेक वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ और जानना या बताना हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेशन में जरूर मेंशन कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।